उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि आज लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक चल रही है और ये पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता मौलाना सैयद राबे हसन नदवी कर रहे हैं। बता दें आपको कि इस बैठक में सभी 51 सदस्य आज मौजूद रहे। ये मीटिंग कई एतबार से बहुत अहम मानी जा रही है, खास तौर पर कॉमन सिल कोड और महिलाओं की बेहतरी और काशी मथुरा जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज बैठक चल रही है लखनऊ में और इस बारे में बात करेंगे सारा समय के संवाददाता शारिफ जाफरी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चल रही है, बैठक में आज क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं? बिल्कुल, देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बोर्ड की बैठक नदवा कॉलेज लखनऊ में हो रही है। इस मीटिंग में कॉमन सिविल कोड को लेकर लंबी बहस हुई है। इसके अलावा महिलाओं को का मस्जिदों में प्रवेश को लेकर जिस तरीके का विवाद चल रहा था उस पर भी लंबा मंथन हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चिप एक्ट, क्योंकि हाल के दिनों में काशी और मथुरा को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और उसमें भी सुनवाई चल रही है। ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस मामले में अपनी तरफ से क्या राय हो सकती है, क्या क्या रास्ते निकल सकते हैं, कोर्ट में किस तरीके से राहत दिलाई जा सकती है, इन सब मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। इसके अलावा हम बात करें, बोर्ड की बैठक इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि जिस तरीके से कॉमन सिविल कोड को लेकर और इसके कॉमन सिविल कोड को लेकर जिस तरीके से और वर्शिप एक्ट को लेकर जिस तरीके से बात खड़ा हुआ है पर काफी लंबी बहस होगी और अब से कुछ देर बाद जब बैठक खत्म होगी तो बोर्ड की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या निर्णय है, क्या क्या फैसला लिया गया है। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों को लेकर भी आज की बैठक में लंबी चर्चा हुई है। मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री को लेकर जिस तरीके का विवाद चलता रहा है, इसके अलावा ट्रिपल तलाक और हिजाब का मामला भी बैठक में छाया रहा है। जी, ट्रिपल तलाक को लेकर भी ये मामला भी आज काफी गर्म है, इस पर भी आज काफी वहां पर यानी बातचीत होगी और कॉमन को लेकर भी इस बैठक में आज बात चल और थोड़ी में क्या कुछ चीजें सामने निकल आ रही हैं और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए बैठक क्योंकि वर्किंग कमेटी की बैठक है, तमाम दूर दूर से जो देश मेंबर हैं वो इस बैठक शामिल होने के हैं। बैठक पहले असदुद्दीन ओवैसी जो कि सांसद हैं हैदराबाद से, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और कई मुद्दे ऐसे थे जिस पर उन्होंने अपनी की है। तो मस्जिद में महिलाओं की एंट्री को लेकर अक्सर विवाद रहा है, अगर महिलाएं मस्जिदों में जाती हैं तो कई जगहों पर उनको रोक टोक की जाती है, इस तरीके की बातें सामने आती हैं। तो इसको लेकर कैसे एक रास्ता निकाला जाए ताकि इन चीजों पर विवाद न खड़ा हो सार्वजनिक तौर पर, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। इसके अलावा हिजाब का मामला भी क्योंकि अक्सर छाया रहता है, कर्नाटक हाई का जिस तरीके से फैसला आया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस पर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। ट्रिपल तलाक को लेकर बोर्ड एक नया बोर्ड का नया स्टैंड सामने आ सकता है। इसके अलावा वर्शिप एक्ट खास बात में जिस तरीके से फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का और जिस तरीके से संसद में वर्शिप एक्ट पास किया उसको लेकर जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ है, चाहे काशी का मामला हो या फिर मथुरा का मामला हो, इन मुद्दों को कैसे निपटा जाना है, मुद्दों से क्या बोर्ड की क्या राय रहेगी, क्या एक्शन रहेगा, किस तरीके से बोर्ड आगे बढ़ेगा, इन सब को लेकर भी इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की है। अब तक इस बैठक को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है कि मथुरा और काशी लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले ऐसा माना जा रहा है कि मथुरा और काशी का मामला और ज्यादा गर्माएगा, क्योंकि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनकर जनवरी तक तैयार होने का और उसके बाद जिस तरीके के ये मुद्दे उठे हैं उससे जो हालात पैदा होंगे उससे कैसे लोग निपटेंगे, उस बीच बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा रही है। जी बिल्कुल, यानी मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री को लेकर चर्चा हो रही है और हिजाब का जो मामला है उसको लेकर भी आज चर्चा हो रही है और ये जो बैठक है वो नदवा का कॉलेज में ही है। शारिफ,
बिल्कुल, नदवा कॉलेज क्योंकि एक बड़ा मदरसा है उत्तर प्रदेश का, दो महत्वपूर्ण मदरसे जो माने जाते हैं, सहारनपुर में है दारुल उलूम देवबंद और दूसरा लखनऊ में है, तो लखनऊ का मदरसा चुना गया है। और पिछले काफी दिनों से जो बैठकें हैं, ज्यादातर बैठकें होती हैं लखनऊ में, अगर होती तो वो नदवा कॉलेज में ही होते हैं मदरसे का। और क्योंकि यहाँ बड़े हॉल वगैरह मौजूद हैं, जो मेंबर्स आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था हो जाती है, तो इसीलिए बोर्ड को एक अच्छी जगह नजर आती है बैठक के लिहाज से। और बैठक काफी महत्वपूर्ण चल रही है और उससे कुछ देर बाद करीब 4 बजे के आसपास ये बैठक खत्म होगी, यानी काफी अहम बैठक मानी जा रही है और ये बैठक 4 बजे के आसपास होगी। फिलहाल ये अहम जानकारी के लिए शारिब आपका शुक्रिया। ऑल इंडिया मसीह बसुला बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और इसमें मुख्तलिफ मसाइल पर गौर करने का हम लोग यह मौजूद यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ मजहब मुख्तलिफ फिलकत के लोग बसते हैं, क्या उनके लिए यह काबिल अमल है, क्या उनके लिए यह मुनासिब है। इसमें ये मौजूद ये है कि ख्वातीन के जिंदगी को कैसे और बेहतर बनाया जाए, उनकी हिस्सेदारी किस तरह बढ़ाई जाए। बोर्ड ने इस वक्त अपनी तमाम कमेटियों में ख्वातीन को शामिल किया है। इसमें वक्त का मौजूद भी आएगा कि हम वक्त कैसे हिफाजत करें और किस तरह वक्त का मुसलमानों के और गरीबों के तालीमी और फलाही कामों के लिए इस्तेमाल करें। तो बस यही मुझे अभी कहना है, अभी ये चल रही है कि बाद में आप सब लोगों को इंशाल्लाह प्रेस नोट भेज दी जाएगी और आपको अपनी जगह एक चीज पहुंच। और अब बात करते हैं अडानी मामले की। हम आपको बता दें कि देश में चल रहे बवाल के बीच देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी चुप्पी तोड़ दी।